Hey guys, welcome back to my channel. So, कैसे आप सब मीट करती हैं? आप सब ठीक होंगे. सो मैं आ गई हूँ एक और एक ट्रेनिंग स्टेटस लेकर जो कि हम अलाइन मोशन ऐप में बनाएंगे. सो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से वॉच करना. अगर आपने पूरे वीडियो को फुल नहीं देखे तो फिर आपको एक भी पार्ट जो है समझ में नहीं आएगा. सो चलिए हम स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें. सो यहाँ पर सबसे पहले आपको अलाइन मोशन ऐप ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको एक XML मिलेगा, ठीक है. सो उस XML प्रीसेट को आपको इम्पोर्ट करना होगा एंड देन उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा. और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे लेयर्स मिलेंगे एंड हर लेयर में आपको डिफरेंट डिफरेंट फोटोज ऐड करना है. सो टोटल 6 फोटोज आपको ऐड करना है. सो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फ़ोटो पे क्लिक किया हमने और कलर एंड फिल्म में जाकर जो है आपको मीडिया पे जाना है और वहाँ से आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है, ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को ऐड कर लिया. अब यहाँ पर अब आगे आने के बाद जो है आप देख सकते हैं 8 सेकेंड्स पे यहाँ पर डबल बीट मार्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. सो आपको जो है एक 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 लेयर में जो है आपको सेम फोटो ऐड करना है, ठीक है. सो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को मैं ऐड कर लेती हूँ जल्दी से और बाकी सारे लेयर्स में भी आपको वही सेम फ़ोटो ऐड करना है. जहाँ पे भी आपको सिंगल बीट मार्क मिलेगा वहाँ पर आपको सेम फ़ोटो ही ऐड करना है और जहाँ पर डबल बीट मार्क मिलेगा आपको वहाँ से फ़ोटो चेंज करना है. सो यहाँ पर जितने भी 4 लेयर्स हैं इन 4 लेयर्स में हमें सेम फ़ोटो ही ऐड करना है. सो आपको पता ही होगा कि वन क्लिक में आप फ़ोटो को कैसे ऐड कर सकते हैं. सो आपको फ़ोटो पे लेयर पे क्लिक करना होगा, कॉपी करना होगा और सारे और फिर उसके बाद जो है आपको पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करके आप एक ही क्लिक में सारे फोटोज सारे लेयर्स को जो है आप फोटो सारे लेयर्स में आप फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं. सो इस तरीके से आपको बाकी सारे लेयर्स पे भी काम करना है. सो यहाँ से आगे आने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 सेकेंड्स पे हमारा नेक्स्ट डबल बीट मार्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर आपको हमारा नेक्स्ट फोटो ऐड करना है. सो यहाँ पर अगेन हम कलर फिल्म में जाएंगे और नेक्स्ट फोटो को हम यहाँ पर ऐड करेंगे. सो यहाँ पर मैं जल्दी से नेक्स्ट फोटो को मैं ऐड कर लेती हूँ. प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से वॉच करना, तभी आपको एक एक पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा. सो इसी तरीके से आपको बाकी सारे लेयर्स में भी ऐसे वन क्लिक में आपको फोटोज़ को ऐड करते जाना है, ठीक है. और हर लेयर पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फोटोज़ ऐड करना है. जहाँ पे भी आपको डबल बीट मार्क मिलेगा वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चेंज करना है, मींस दूसरी फ़ोटो आपको ऐड करना है. सो इस तरीके से टोटल 6 फोटोज़ आपको ऐड करना है, ठीक है. और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे. अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइए. अगर आपके पास कोई सॉन्ग का सजेशन है कि आप चाहते हैं कि मैं उस सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है. एंड ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है. सो ताकि वो भी आप लोग अच्छे से सीख सकें उसको, ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियोस, ठीक है. आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है. तो उस हिसाब से जो है मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ज़्यादातर आपके लिए ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियोज़ बनाऊँगी और हर एक डिफरेंट ऐप में बनाऊँगी, जैसे कि कैन मास्टर है, कैपकट है, ठीक है. हर एक ऐप में जो है मैं आपके लिए ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियोस बनाकर लाऊंगी एंड साथ साथ विद डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, ओके. मतलब विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, ठीक है. इस तरीके से जो है मैं आपके लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियोस भी बनाकर अपलोड करूँगी ताकि आप लोग उसको और भी अच्छे से सीख सकेंगे.
ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता कि फॉन्ट्स को कैसे ऐड करना है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि आप कैसे फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको फॉन्ट्स कैसे ऐड करना है, अलाइट मोशन में या पिक्सआर्ट में या कैपकट में, ठीक है। मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, सो आप वो जाकर ज़रूर से वॉच कर लेना, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी एंड साथ साथ आप मेरे चैनल पर फिर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि फॉन्ट्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर से वॉच करना ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि फॉन्ट्स को कैसे ऐड करना है, ठीक है। चाहे वो फॉन्ट्स हो चाहे वो इमोजीज हो, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है मैं फोटोज़ को मैं ऐड कर रही हूँ जल्दी से एक एक लेयर पे। सो यहाँ पर हम आ गए हमारे लास्ट फोटो पे, ठीक है। सो जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी आपको डबल वीट मार्क मिल रहा है वहाँ पर जो है आपको फोटोज़ को चेंज करना है, और जहाँ पे आपको सिंगल वीट मार्क मिल रहा है वहाँ पर आपको सेम फोटो ही रखना है, ठीक है। आपको फोटोज़ को चेंज नहीं करना, एंड आप वन बाय वन लेयर बाय लेयर आप एक एक करके फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे मेरे पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में भी मैंने बताया है कि आप जो है वन क्लिक में किस तरह से फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे सारे पिछले सारे वीडियोस को जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सो यस, हमारी वीडियो जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाती हूँ। मैंने सॉन्ग को म्यूट किया है ताकि कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। सो आप भी इस तरीके के स्टेटस वीडियोस बनाकर जो है इसको आप जहाँ भी अपलोड करना चाह रहे हैं आप वो अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हैं। सो आज की हमारी वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, कितनी अच्छी लगी, प्लीज़ नीचे कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एंड इस वीडियो को जो है आप एक्सपोर्ट कर लेना, एंड देन उसके बाद जो है आप जहाँ पर भी अपलोड करना चाहें वहाँ पर आप आराम से इजीली अपलोड कर सकते, ठीक है। तो बस आज का हमारा ट्यूटोरियल इतना ही रहा, और नेक्स्ट आपको किस सॉन्ग पे चाहिए नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। सो चलिए मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।